हिमाचल के ज्वाली में नगर पंचायत का चुनाव हुआ। आपको बता दें कि नगर पंचायत ज्वाली में गुरुवार को चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के लिए एसडीएम ज्वाली कृष्ण कुमार शर्मा की देखरेख में चुनाव हुआ, जिसमें राजेंद्र कुमार व मीनू बाला ने चेयरमैन के लिए आवेदन किया, जिस पर वोटिंग हुई। वोटिंग में राजेंद्र कुमार को 6 व मीनू बाला को 3 मत मिले, जिसके चलते राजेंद्र कुमार राजू चेयरमैन पद पर विजेता रहे। अजय विवेक पाटनिया निर्विरोध ही वाइस चेयरमैन बने। इस अवसर पर चेयरमैन राजेंद्र राजू व वाइस चेयरमैन अजय विवेक पाटनिया का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित चेयरमैन राजेंद्र कुमार व वाइस चेयरमैन अजय विवेक पाटनिया ने पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार व पूर्व सीपीएस नीरज भारती का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत ज्वाली में विकास को तरजीही दी जाए और जनता के हित में कार्य करवाए जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य योजना शुरू करवाना प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्र कुमार व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने पंचायत चुनावों में कांग्रेस की अभूतपूर्व जीत पर मतदाताओं का धन्यवाद किया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई दी। बताते चले कि ज्वाली में नगर पंचायत का चुनाव चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की देखरेख में हुआ। राजेंद्र कुमार को 6 व मीनू बाला को 3 मत मिले, जिसके चलते राजेंद्र कुमार राजू चेयरमैन पद पर विजेता रहे। अन्य विवेक पाटनिया निर्विरोध ही वाइस चेयरमैन बने। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ज्वाली नगर पंचायत के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने कांग्रेस समर्थित जो हमारे उम्मीदवार थे उन पर अपना विश्वास जताया। एक दो सीटें हमारी कुछ वोटों के अंतर से रह गई और बाकी जो हमारे लगभग 6 कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो थे कैंडिडेट, वो चुनकर हमारे नगर पंचायत में आए। और सबसे बड़ी बात, आज नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र कुमार राजू जी, जो कि नौजवान हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में एवी पठानिया जी हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बने हैं, जो कि आर्मी के रिटायर्ड हैं और कोचिंग खेल की तरफ जो है कोचिंग भी करवाते हैं और सूझबूझ वाले इंसान हैं। उनको भी मैं अपनी तरफ से आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ नगर पंचायत ज्वाली के उपाध्यक्ष पद पे काबिज होने के लिए। और साथ ही साथ जितने हमारे चुने हुए पार्षद हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर संयम से जो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है फैसला लिया है। और हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो जो हमारी नगर पंचायत है ज्वाली की, उसको कैसे हमने आगे और ज़्यादा डेवलप करना है, उस पर हमारा जो है मेन फोकस होना चाहिए। जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में, पहले ज्वाली गुलेर विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, फिर अब ज्वाली नाम हुआ है, इसमें कोई भी अर्बन बॉडी जो थी हमारे यहाँ पर नहीं थी। तो मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट कर कहा था कि ज्वाली को जो है वो नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी थी और एक नगर पंचायत का दर्जा जो है ज्वाली को दिया गया। और उस वक्त भी हमारे समर्थित जो कांग्रेस समर्थित जो थे उम्मीदवार वो जीते थे और उन्होंने नगर पंचायत में जो उपाध्यक्ष बने थे अध्यक्ष बने थे। तो मेन फोकस उस वक्त भी यही था कि नगर पंचायत और ऐसी अर्बन बॉडीज़ जो होती हैं उनमें जो है वो बजट की कोई कमी नहीं होती है, बशर्ते कि जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं नगर पंचायत के वो जो है अपनी कैसी प्रपोजल्स आगे भेजते हैं डेवलपमेंट के लिए। हो गए तो उस वक्त भी हमारे जो अध्यक्ष थी रही थी पहले हमारी अपनी पुष्पा देवी जी उपाध्यक्ष रहे या और मेंबर थे, उन्होंने कोशिश की कि हम जो है इस नगर पंचायत में अच्छी डेवलपमेंट करें और उसका नतीजा ये था कि एक दो सीटों पर जो था बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा अभी जीतने के लिए, क्योंकि लोगों को पता था कि उन्होंने अपने वार्ड में काम किए हैं, रास्ते बने हैं, लोगों के पक्के मकान बने हैं, जो विद्युतीकरण हुआ है चौकों पे या गलियों में जो लाइट्स लगी हैं, या उसके अलावा और भी कई काम ऐसे थे जो उन्होंने किए थे। और इस बार फिर जो है वो हमारी नगर पंचायत जो है वो सामने आई है कांग्रेस समर्थित, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी तरफ से जो है नई प्रपोजल्स जो है वो तैयार करके सरकार को भेजेंगे। और सरकार भी इस वक्त तो खैर भारतीय जनता पार्टी की है, पर उनसे भी उम्मीद है कि वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है पूरे बजट का प्रावधान जो है हमारे ज्वाली नगर पंचायत के लिए करें। हालांकि यहाँ के जो विधायक हैं इस वक्त अर्जुन जी, उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि इस ज्वाली नगर पंचायत को जो है वो भंग किया जाए। इंसान की जो काम करने की इच्छा शक्ति होती है वो चाहते हैं कि इंसान जो है जो काम करने वाला वो सोचता है कि आज मैंने नगर पंचायत बनाई है तो इसको नगर परिषद का दर्जा मिले, पर हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उनकी सोच उल्टी है, वो नगर पंचायत को ही जो है वो भंग कर जो है द्वारा इनको
पंचायत स्तर पर लेके आना चाहते थे, पर ये इनकी सोच पूरी हो नहीं पाई। एक दो वार्ड उन्होंने जो है वो नगर पंचायत से बाहर कर दिए, पर वहाँ पर भी जो है वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है प्रधान उप प्रधान बनकर जो है आज जीत के आए हैं। तो हमारी जो सोच थी वो डेवलपमेंट की सोच थी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच, और आगे भी हमारी सोच जो है डेवलपमेंट की रहेगी कि कैसे इलाके का विकास या लोगों के हित की जो है बात की जाए। पर जो अभी मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सोच जो है वो कंस्ट्रक्टिव सोच की जगह डिस्ट्रक्टिव सोच है कि कैसे हम जो है लोगों को हताश करें। पर मुझे उम्मीद है कि अब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और कांग्रेस समर्थित जो हमारे पार्षद हैं उनको बहुमत दिया है। कांग्रेस समर्थित हमारी जो है नगर पंचायत बनी है अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अब ये जो है वो पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ जो है नगर पंचायत का काम देखेंगे और जो गरीब से गरीब तबका है उनको जो है वो सरकार का जो जो भी योजनाएं हैं जो भी स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की अपनी कोशिश करेंगे। बाकी मैं बधाई देता हूं राजेंद्र राजू जी को भी और ए बी पठानिया जी को भी और सभी समस्त जो पार्षद जो चुन के आए हैं हमारे नगर पंचायत के और उनके परिवारजनों को भी सबको कि जिन्होंने एक संयम के साथ जो है वो फैसला लिया अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको उनकी जो है वो बोलती बंद की है, जो तीन चार दिन से जो उलझुल स्टेटमेंट्स देने पे तुले हुए थे कि देखते हैं कोई कैसे बनेगा अध्यक्ष कैसे बनेगा उपाध्यक्ष, तो आज उनके मुंह पे जो है एक तमाचा लगा है। पर उम्मीद है कि जो आपके विपक्ष के भी जो हैं पार्षद हैं आप उनको भी साथ लेके चलें। देखिए नगर पंचायत बनी है तो सिर्फ पार्षदों का काम नहीं होगा, वहाँ से जुड़ी जनता का भी काम होगा और उसमें जो है गरीब लोग भी हैं, तो आप भविष्य में सबको साथ लेके चलें और एक ज्वाली को जो है एक मॉडल नगर पंचायत के रूप में आप विकसित करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.